बहुत समय पहले की बात है, किशनगंज नामक गांव में ज्योति अपने माता पिता के साथ बहुत खुशी खुशी रहती थी। लेकिन एक दिन अचानक ज्योति की इन खुशियों को नजर लग जाती है। एक दिन पिकनिक से आते समय ज्योति के माता पिता की कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में ज्योति की मां की तुरंत मृत्यु हो जाती है। ज्योति के पिता और ज्योति को कम चोटें आती हैं। ज्योति अपनी मां को दुनिया से जाते देख बहुत रोती है और उसके पिता भी। तभी ज्योति रोते हुए अपने पिता से कहती है, पिताजी, माँ हमें छोड़कर क्यों चली गई? अब मुझे अपने हाथ से खाना कौन खिलाएगा? कौन मुझे लोरिया सुनाकर सुलाएगा? माँ हमें छोड़कर क्यों चली गई? अब हम माँ के बिना कैसे रहेंगे पिताजी? चुप हो जाओ मेरी बच्ची, मैं हूँ तुम्हारी देखभाल करने के लिए। ऐसा कहकर ज्योति के पिता राम प्रकाश ज्योति को दिलासा देते हैं और कुछ समय बाद ज्योति की मां का अंतिम संस्कार कर देते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। ज्योति बहुत उदास हो जाती है। वह ना तो बच्चों के साथ खेलती है और ना ही ठीक से खाना खाती है और ना ही उसका पढ़ाई में मन लगता है। ज्योति की यह हालत देखकर राम प्रकाश को बहुत दुख होता है और वह एक दिन दूसरी शादी करने का मन बना लेते हैं ताकि ज्योति को ममता की कमी महसूस ना हो। इसलिए वह एक दिन कामिनी नाम की औरत से दूसरी शादी कर लेते हैं और कामिनी की भी अपनी एक बेटी होती है काजल। राम प्रकाश कामिनी और काजल को शादी के बाद घर ले आते हैं और ज्योति से कहते हैं, बेटा, मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जा रही थी, इसलिए मैंने दूसरी शादी कर ली। कामिनी बिल्कुल तुम्हारी माँ जैसा प्यार करेगी और तुम्हें बहन के रूप में एक दोस्त मिल गई। पर पिताजी, स्कूल में सभी मेरी दोस्त कहती हैं सौतेली माँ अच्छी नहीं होती, फिर आप मेरे लिए सौतेली माँ क्यों लेकर आए हैं? ज्योति के इतना कहते ही कामिनी के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह ज्योति से कहती है, बेटा, तुम मुझे बिल्कुल भी सौतेली मत समझना। मैं तुम्हें तुम्हारी सगी माँ से बढ़कर प्यार करूंगी। आ जाओ मेरे पास, आ जाओ मेरी प्यारी बच्ची, ऐसे नहीं कहते। ऐसा कहकर कामिनी ज्योति को बहुत प्यार करती है। ज्योति को भी कामिनी में अपनी माँ की ममता नजर आती है। अब कामिनी ज्योति और काजल को एक समान प्यार करती है, दोनों में बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करती। लेकिन काजल को बहुत चिढ़ होती है कि उसकी माँ ज्योति से क्यों प्यार कर रही है। एक दिन कामिनी ज्योति के लिए बहुत सुंदर सैंडल लेकर आती है, जिन्हें देखकर काजल अपनी माँ से कहती है, मम्मी, मुझे सब नजर आ रहा है, आप मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। सारा प्यार तो आप ज्योति को ही करती हैं। देखो तो, इसके लिए कितनी सुंदर सैंडल लेकर आई हैं और मेरे लिए कुछ भी नहीं। ऐसा लगता है जैसे मैं आपकी सौतेली बेटी हूँ और ये ज्योति की बच्ची आपकी सगी बेटी हो। काजल, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने कभी ज्योति और तुम्हें फर्क नहीं किया, तुम दोनों को एक समान प्यार करती हूँ। कल मैं तुम्हारे लिए सैंडल लेकर आई थी, ज्योति के लिए कल नहीं मिली थी तो उसके लिए आज लेकर आई हूँ। फिर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं सारा प्यार ज्योति को ही करती हूँ? काजल और कामिनी को इस तरह से बहस करते हुए देखकर ज्योति काजल से कहती है, ज्योति, मेरी प्यारी बहन, माँ से इस तरह से बातें मत करो। अगर तुम्हें यह सैंडल पसंद है तो ये लो, इन्हें तुम रख लो, मैं और कभी ले लूंगी। हाँ हाँ, मम्मी के सामने अच्छा बनने का नाटक कर ले। पहले मम्मी मुझसे कितना प्यार करती थी और जब से तू हमारी जिंदगी में आई है तब से मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। ऐसा कहकर काजल वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। काजल की नफरत ज्योति के लिए कम नहीं होती। कामिनी बहुत कोशिश करती है कि दोनों सौतेली बहनों में सगी बहन जैसा प्यार हो जाए। एक दिन कामिनी ज्योति और काजल को एक साथ बुलाती है और दोनों से कहती है, मुझे पता है मेरी दोनों बेटियां बहुत अच्छा डांस करती हैं, इसलिए आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी न्यूज़ देने वाली हूँ जिसे सुनकर तुम दोनों खुश हो जाओगी। माँ, ऐसी क्या न्यूज़ है जिसे बताते हुए आप भी इतना ज़्यादा खुश हो रही हैं? जल्दी से बताइए ना, हम दोनों से इंतज़ार नहीं हो रहा। हाँ हाँ, बताती हूँ। तुम्हें पता है किशनगंज गांव में एक बहुत बड़ा डांस कंपटीशन होने वाला है और जो भी इस डांस कंपटीशन का विजेता होगा उसे मुंबई जाने का मौका मिलेगा और उसी के साथ साथ फिल्म में भी मौका मिल सकता है। मुझे पता है तुम दोनों में से एक ही इस कंपटीशन की विजेता बनोगी। यह सुनकर ज्योति और काजल सच में बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। दोनों डांस करने की प्रैक्टिस करना शुरू कर देती हैं। एक दिन काजल ज्योति को डांस करता हुआ देखकर हैरान हो जाती है।
अरे नहीं, ये ज्योति की बच्ची कितना अच्छा डांस कर रही है। अगर इसी ने इसी तरह से डांस कंपटीशन में डांस किया तो डांस कंपटीशन की विजेता तो यही बन जाएगी और मुंबई जाने का मेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा। मुझे इसे रोकना होगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। ऐसा सोचकर काजल एक प्लान बनाती है और वह ज्योति को अपने साथ बाहर घुमाने लेकर जाती है। ज्योति खुशी खुशी उसके साथ चली जाती है। तभी काजल कार के आगे ज्योति को धक्का देने की कोशिश करती है, लेकिन ज्योति तो बच जाती है। काजल कार के सामने आ जाती है, जिसकी वजह से उसके दोनों पैर टूट जाते हैं। यह देखकर काजल बहुत रोती है। तभी ज्योति काजल से कहती है, काजल यह सब कुछ तुम मेरे साथ करना चाहती थी, लेकिन देखो ये सब कुछ तुम्हारे साथ हो गया। तुम्हारी नफरत ने तुम्हें आज कहाँ पहुँचा दिया। मैंने कभी तुम्हें सौतेली बहन नहीं समझा, अपनी सगी बहन जैसा प्यार किया और तुम पर भरोसा करके तुम्हारे साथ यहाँ आई। और तुम मेरे साथ क्या करना चाहती थी? अगर इसके बारे में माँ को पता चलेगा तो उन्हें कितना दुख होगा। ऐसा कहकर ज्योति काजल को घर ले जाती है। काजल की यह हालत देखकर कामनी को बहुत दुख होता है और काजल व्हीलचेयर पर अपने केकी सजा काटती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन ज्योति कुछ लड़कियों को आपस में बात करते हुए सुनती है। तुम्हें पता है सपना, मेरी माँ बता रही थी पास के जंगल में जो काली पहाड़ी है वहाँ पर जादू सैंडल की खेती होती है। और माँ ये भी बता रही थी उन सैंडल को पहनकर अगर किसी के पैर क्यों ना टूटे हों वो भी ठीक हो जाते हैं और उनसे बहुत सारी धन दौलत भी मिलती है। साक्षी, तो हमें वहाँ जाकर जादू सैंडल के खेत से जादू सैंडल लेकर आनी चाहिए। मुझे तो बहुत अमीर होना है। अरे नहीं बाबा, माँ ने कहा था वह रास्ता बहुत ज्यादा खतरनाक है, वहाँ कोई नहीं जा सकता। वहाँ बहुत सारे चुड़ैल मिलती हैं, धन दौलत के लालच में मैं कभी वहाँ नहीं जाऊँगी। ऐसा कहकर साक्षी सभी लड़कियों से वहाँ जाने से मना कर देती है, लेकिन ज्योति उनकी बातें सुनकर वहाँ जाने की सोच लेती है। अगर इन लड़कियों की कही बात सच है तो मैं वहाँ जरूर जाऊंगी और जादू सैंडल के खेत से सैंडल लेकर आऊंगी। काजल ने जो नादानी में गलती की है मैं नहीं चाहती उसे उसकी इतनी बड़ी सजा मिले। अगर जादू खेत की सैंडल पहनकर काजल ठीक हो जाती है तो मैं यह खतरा उठाने के लिए तैयार हूँ। मुझे अभी वहाँ के लिए जाना होगा। ऐसा सोचकर ज्योति जंगल के खतरनाक रास्ते के लिए निकल जाती है। तभी उसे रास्ते में एक बहुत खतरनाक चुड़ैल मिलती है और वह ज्योति से कहती है, क्यों लड़की, तू इस खतरनाक रास्ते पर क्या कर रही है? तुझे तेरी माँ ने बताया नहीं ये रास्ता कितना खतरनाक है? यहाँ जो भी कोई आता है वह जिंदा बचकर नहीं जाता। तूने इतना बड़ा खतरा क्यों उठाया है? कहीं तू जादुई सैंडल के खेत से जादुई सैंडल लेने तो नहीं आई और उसकी मदद से अमीर बनना चाहती है? लेकिन तेरी ये ख्वाहिश ख्वाहिश ही रह जाएगी, मैं तुझे मारकर खा जाऊंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल हंसने लगती है और वह ज्योति को जैसे ही खाने वाली होती है। तभी ज्योति चुड़ैल से कहती है, चुड़ैल जी अगर आप मुझे मारकर खाना चाहती हैं तो खा लेना, मगर आप बस मेरा एक काम कर देना, जादू सैंडल के खेत से जादू सैंडल मेरे घर पहुंचा देना। बस मैं यही चाहती हूँ। तुम ऐसा क्यों चाहती हो? तुम्हें अपनी जान की भी कोई चिंता नहीं, मुझे सब बताओ, आखिर तुम जादुई सैंडल के खेत से जादुई सैंडल क्यों लेने आई हो? चुड़ैल के इतना कहते ही ज्योति चुड़ैल को सब बता देती है। तभी ज्योति की बातें सुनकर चुड़ैल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह ज्योति से कहती है, तुम अपनी सौतेली बहन से इतना प्यार करती हो कि तुम्हें अपनी जान की भी कोई चिंता नहीं। तुम्हारी ये अच्छाई देखकर तो मेरा दिल ही पिघल गया। आज के टाइम में कोई अपनों के लिए भी इतना नहीं करता जितना तुम अपनी सौतेली बहन के लिए कर रही हो। जाओ तुम जादुई सैंडल के खेत से जादुई सैंडल लेकर आ जाओ। चुड़ैल की बातें सुनकर ज्योति खुश हो जाती है और वह खुशी खुशी जादुई सैंडल के खेत की ओर जा रही थी। उसे वहाँ जो भी कठिनाइयाँ आती हैं वह सब चुड़ैल रोक देती है और ज्योति आराम से जादुई सैंडल के खेत के पास पहुँच जाती है और वहाँ जाकर जादुई सैंडल के खेत से एक सुंदर सैंडल लेकर घर वापस आ जाती है। और घर आने के बाद अपनी माँ को जादुई सैंडल के खेत की जादुई सैंडल के बारे में बताती है। तभी कामिनी ज्योति से कहती है, क्या मेरी बच्ची
तुम काली पहाड़ी वाले उस खतरनाक जंगल में गई थी, वहाँ से तो आज तक कोई भी वापस नहीं आया। सच में मैंने जरूर पिछले जन्म में कुछ अच्छे ही कर्म किए होंगे जो इस जन्म में मुझे तुम जैसी बेटी मिली। देखा काजल, जिस सौतेली बहन से तुम इतनी नफरत करती थी, आज वह तुम्हारे लिए कहाँ से जादुई सैंडल लेकर आई है। अपनी माँ की यह बातें सुनकर काजल को अपने के पर बहुत पछतावा होता है और वह ज्योति से माफी मांगती है। ज्योति मेरी प्यारी बहन, मुझे माफ कर दो, मैंने कभी तुम्हारे प्यार को समझा ही नहीं और तुमसे मैं कितनी नफरत करती रही और मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया, यहाँ तक कि तुम्हें मारने की भी कोशिश की जिसकी वजह से मेरे दोनों पैर टूट गए और तुम मुझे ठीक करने के लिए इतने खतरनाक जंगल में गई और वहाँ से जादुई सैंडल के खेत से जादुई सैंडल लेकर आई। तुम कितनी अच्छी हो, तुम जैसी बहन पाकर मैं तो धन्य ही हो गई। मुझे माफ़ कर दो मेरी प्यारी बहन, मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपने के पर बहुत पछतावा है। काजल मेरी प्यारी बहन, तुम्हें अपने के पर पछतावा है, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब हम दोनों बहन एक साथ हंसी खुशी रहेंगे। यह लो जादुई सैंडल की खेत की जादुई सैंडल, पहन लो, उसके बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। और अभी तो हमें डांस कंपटीशन में भी जाना है, वहाँ जाने में सिर्फ दो ही दिन बचे हैं, अभी तो हम दोनों को बहुत सारी प्रैक्टिस भी करनी है। काजल जैसे ही जादुई सैंडल के खेत की जादुई सैंडल पहनती है तो वह बिल्कुल ठीक हो जाती है। यह देखकर कामिनी, काजल और ज्योति बहुत खुश हो जाती हैं और दोनों बहन एक साथ डांस की प्रैक्टिस करती हैं और इसी तरह दो दिन बीत जाते हैं और वह दिन आ ही जाता है जिस दिन डांस कंपटीशन में डांस करना था। गांव की सभी लड़कियां, काजल और ज्योति सब डांस करने जाते हैं, एक एक कर सब डांस करते हैं। अंत में ज्योति डांस करती है, सभी को ज्योति का डांस बहुत पसंद आता है और डांस कंपटीशन की विजेता ज्योति ही होती है। यह देखकर काजल और कामिनी बहुत खुश होती हैं और ज्योति ट्रॉफी लेकर खुशी खुशी घर आ जाती है। इसी तरह ज्योति अपनी सौतेली माँ और बहन के साथ एक हंसी खुशी जीवन बिताती है।